अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हरिवंश राय बच्चन के घर हुआ। हरिवंश राय बच्चन एक हिंदी कवि थे। अमिताभ दो भाई हैं और उनके दूसरे भाई का नाम है अजिताभ बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने उनका नाम रखा इनकलाब, पर बाद में लेखक दोस्त सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उनका नाम बदलकर अमिताभ रख दिया। उनका सरनेम श्रीवास्तव है। बच्चन तो उन्होंने अपनी मर्जी से रखा था, और सिर्फ बच्चन ही इसलिए क्योंकि इसी नाम से हरिवंश राय बच्चन अपनी सारी कविताओं को पब्लिश कराते थे। अमिताभ ने नैनीताल से अपनी स्कूलिंग करी और फिर बाद में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज गए। अमिताभ की माँ तेजी बच्चन को फिल्मों का बहुत शौक था, और बल्कि उन्हें एक बार एक फिल्म के लिए ऑफर भी मिला, पर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने मूवीज़ में कदम नहीं रखा। पर वो हमेशा से ही चाहती थी कि अमिताभ थिएटर में आए और फिल्मों को अपनाए। अमिताभ इसी वजह से थोड़ी बहुत एक्टिंग भी सीखते रहते थे। फिर अपनी माँ के कहने पर अमिताभ ने 27 साल की उम्र में फिल्म डेब्यू किया एक शॉर्ट फिल्म में वॉइस ओवर देकर। अमिताभ का पहला एक्टिंग रोल जो था वो था सात हिंदुस्तानी फिल्म में। अमिताभ ने इसी तरह 1971 तक तीन और फिल्मों में काम कर लिया था। इसके बाद उन्होंने गुड्डी फिल्म में काम किया, जहां उनकी को स्टार थी उनकी फ्यूचर वाइफ जया भादुरी। इसके बाद उन्होंने बावर्ची और बॉम्बे टू गोवा में भी काम किया। अभी तक अमिताभ की किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचाया था, पर अब अमिताभ का वक्त बदलने वाला था। 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को लेकर जंजीर फिल्म बनाई, तो इसने लोगों के सामने अमिताभ की एक नई इमेज बना दी, और अब अमिताभ एंग्री यंग मैन के नाम से मशहूर हुए। और इसी साल अमिताभ ने जया भादुरी से शादी भी कर ली, और वो दोनों एक साथ फिल्मों में काम करने लग गए। अब अमिताभ ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से लगभग सभी ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई, जिनमें है रोटी कपड़ा और मकान, दीवार और मजबूर। अब 1975 में अमिताभ ने एक्टर धर्मेंद्र के साथ काम किया फिल्म शोले में, जो बहुत ज़्यादा हिट हुई, बल्कि इस फिल्म के नाम काफ़ी अवार्ड भी हुए, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म ऑफ 50 ईयर्स और फिल्म ऑफ द मिलेनियम। अगले 7 सालों तक अमिताभ ने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत हिट मूवीज़ दी, जिनमें है मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना, सुहाग, अमर अकबर एंथनी और भी कई, जिनमें उन्होंने डबल और बल्कि ट्रिपल रोल भी किया। ये अमिताभ के लिए काफ़ी अच्छा वक्त चल रहा था। इस समय पर अमिताभ की जोड़ी हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बन रही थी, चाहे वो यश चोपड़ा हो या प्रकाश मेहरा। पर अब अमिताभ की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उनकी जान बाल बाल बची। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग करते हुए अमिताभ घायल हो गए थे। उस समय डॉक्टर्स का कहना मुश्किल था कि अमिताभ की जान बच पाएगी या नहीं। कहा जाता है कि अमिताभ के फैंस उस समय अमिताभ के लिए मंदिर मस्जिदों में जाकर अमिताभ की जान के लिए दुआ मांगते थे, और बिग बी के फैंस की दुआएं काम कर गई। ये वो दौर था जब अमिताभ ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी, और अपनी जन्मभूमि इलाहाबाद से मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने गए। अब इस समय पर एक तो हिंदी फिल्मों का दौर बदल रहा था, और अब एक्शन से रोमांस की ओर ट्रेंड बदल रहा था, और वहीं दूसरी तरफ अमिताभ की लगातार सारी फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी। फिल्म इंडस्ट्री से प्राप्त हो रही निराशा की वजह से अमिताभ ने रिटायरमेंट का डिसीजन लिया और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पे फोकस करने लग गए। पर पॉलिटिक्स में उनका ज़्यादा सिक्का चला नहीं, और फिर वो पूरे 5 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। ये वो समय था जब अमिताभ और उनकी वाइफ जया बच्चन ने एक नई कंपनी शुरू करी, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉरपोरेट लिमिटेड। इस कंपनी से सबको लगा कि अब अमिताभ बच्चन नाम का सितारा पूरी तरह डूब चुका है, क्योंकि कंपनी की बैंकरप्सी तक की नौबत आ गई थी। इस समय पर अमिताभ बच्चन को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो सिर्फ सिनेमा के लिए ही बने हैं, ना कि बिजनेस के लिए। और अब इस बार वो नज़र आए टेलीविज़न शो कौन बनेगा करोड़पति के पहले सीज़न में। यह शो अमिताभ की डूबती नैया के लिए एक तिनके की तरह आया था, और अब अमिताभ को मझधार से निकालकर फिर से सुपरस्टारडम की ओर ले गया। और इसके बाद 2000 के दशक में अमिताभ कई हिट फिल्मों में नज़र आए, जिसकी वजह से अमिताभ की इमेज ने फिर से एक सुपरस्टार की इमेज ले ली, जिनमें है मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, खाकी, आंखें, बागबान, सरकार और भी कई। इसके बाद लोग अमिताभ बच्चन को किंग और बिग बी के नाम से भी जानने लगे, और अब अमिताभ पूरे बॉलीवुड पर राज करते हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं, बैड लक इधर डिस्ट्रॉयज यू
or makes you the man you really are.